नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना महामारी के बीच सूरत में हुई बछड़े और बछिया की शादी, 10,000 लोग हुए शामिल। किन्नी टाइम्स। सूरत के लाड़वी गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर वहां की एक गौशाला में बछड़े और बछिया की शादी हुई। कोरोना को देखते हुए वैसे तो शादी विवाह जैसे आयोजन में 150 लोग ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस शादी में 10,000 लोग शामिल हुए। शादी में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आए, भरा रहा पूरा मंडप। महाराज के सपने को पूरा करने के लिए आयोजित कार्यक्रम लाड़वी गांव में श्री ओम नंदेश्वर महादेव ट्रस्ट SONMT द्वारा प्रबंधित गौशाला में भव्य शादी हुई। पूरा मंडप भरा रहा, जहां दुल्हन को गांधारी आश्रम गौशाला से लाड़वी लाया गया था। आयोजकों ने कहा कि हमारा वो सपना पूरा हुआ जो गांधारी आश्रम के पिपलादगिरी महाराज ने देखा था। वो लोगों को गोपालन के बारे में जागरूक करना चाहते थे। आयोजकों में से एक जयंती मलानी ने कहा, पिपलादगिरी महाराज ने शादी के आयोजन का सपना देखा था और सभी गौशालाओं में चाहते थे कि हम गाय पालन और इसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करें। दुल्हन के बछड़े को सभी पारंपरिक शादियों के बीच आयोजन स्थल पर लाया गया, उन्होंने TOI को बताया। मलानी ने कहा कि शादी के बाद युवा दुल्हन ने खाना बंद कर दिया और इसीलिए उसे ससुराल में आराम देने के लिए बछड़े की माँ को भी कुछ दिनों के लिए लाड़वी लाया गया। शादी के तोहफे के रूप में कुछ मेहमानों ने चांदी की पायल, सिर टीका और कमर बेल्ट देने की पेशकश की थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।